वेलकम टू डॉक्टर डेंटल स्माइल चेंजेस द मूड। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में, जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में फ्री में 40 मॉक टेस्ट यानी कि मॉडल टेस्ट पेपर डालने वाला हूँ, पूरा ह्यूमन एनाटोमी का, फिजियोलॉजी का, बायोकेमिस्ट्री का एंड डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी का। जैसे कि ह्यूमन एनाटोमी में आपको पता है, हमारा जो ह्यूमन एनाटोमी का सब्जेक्ट है उसमें आपको पता होगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ऑलमोस्ट 10 लॉन्ग क्वेश्चन होता है, सॉरी 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारा ह्यूमन एनाटोमी से। अगर हम 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस 10 सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 मॉडल पेपर कर रहे हैं, सो एक हमारा जो सेट रहेगा उसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। सो 4 लॉन्ग क्वेश्चन रह रहा है, यानी कि हम 10 कर रहे हैं, सो ऑलमोस्ट आपके एग्जाम से पहले आपका 40 लॉन्ग क्वेश्चंस रेडी हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इसमें से सारा क्वेश्चंस ऐसा रहेगा जो कि बहुत सारे कॉलेज के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आता रहता है, एंड बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। सिमिलरली अगर मैं शॉर्ट नोट्स का बात करूँ, अगर हम शॉर्ट नोट्स का बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एक जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर रहेगा उसमें 10 शॉर्ट नोट्स रहेगा, तो हम ऑलमोस्ट 10 सेट डालेंगे, यानी कि हमारा जो है, हमारा 100 शॉर्ट नोट्स आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा एग्जाम से पहले। एंड साइमल्टेनियसली और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स जो मैं दे रहा हूँ वो बेसिकली, मैं जैसे बोला था कि डेंटल बॉल्स से मैं आप लोगों को वो जो क्वेश्चन से उसको दे रहा हूँ, सो ऑलमोस्ट अगर हम 10 फिल इन द ब्लैंक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 100 मल्टीपुल चॉइस क्वेश्चन भी हम इसी साल, आपका फर्स्ट ईयर खत्म होने से पहले, हम 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे ह्यूमन एनाटोमी का। सिमिलरली अगर मैं फिजियोलॉजी का बोलूंगा, फिजियोलॉजी का अगर मैं बात करूं तो फिजियोलॉजी का भी ऐसा सीन है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तो 10 है तो 20 हम एलएक्यूज करेंगे, और हम लोग अप्रोक्सीमेटली 50 शॉर्ट नोट्स करेंगे, 50 शॉर्ट नोट्स करेंगे एंड 50 भेरी यानी कि 1 मार्क या एमसीक्यू टाइप्स का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सिमिलरली सेम चीज हमारा बायोकेमिस्ट्री के लिए रहेगा, और सेम चीज हमारा अगर डीएओएच का करेंगे तो डीएओएच का और ह्यूमन एनाटोमी का जो पैटर्न है वो भी सेम रहने वाला है। सो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मेरे चैनल में पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये आपका प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। बोथ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को आप जल्दी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरा जितना सारा इंपॉर्टेंट वीडियो जल्द आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। सो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो हमारा सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, और कहाँ पे सिचुएटेड है। सो बेसिकली मैं आपको जब थायराइड ग्लैंड भी पढ़ाया था वहाँ पे भी बताया था कि कोई भी ग्लैंड भी होगा तो हम पहले इंट्रोडक्शन के बाद उसका सिचुएशन, एक्सटेंट और उसका जो डाइमेंशंस के बारे में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एक कैसा ग्लैंड है, वो एक जे शेप्ड सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। ये क्या है, एक जे शेप्ड, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है जे शेप जैसे दिखता है। उसके बाद ये हमारा एंटेरियर पार्ट ऑफ डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल में लोकेशन है। सो लोकेशन बेसिकली जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, उसका जो लोकेशन होगा वो कहाँ पे होगा, वो हमारा हो जाएगा एंटेरियर, एंटेरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल का हमारा जो एंटेरियर पार्ट है वहां पे हमारा प्रेजेंट होता है क्या, सबमैंडिबुलर ग्लैंड हमारा प्रेजेंट होता है। सो एंटेरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये है कि उसके बाद ये जो ग्लैंड है बेसिकली ये एक लार्ज और एक स्मॉल पार्ट में डिवाइड हुआ है। बेसिकली जैसे हमारा स्किन में होता है ना, सुपरफिशियल पार्ट और डीप पार्ट, यहाँ पे भी एक लार्ज डीप पार्ट होता है, सॉरी यहाँ पे एक लार्ज डीप पार्ट हो जाता है आपका, और लार्ज सुपरफिशियल पार्ट होगा, लार्ज सुपरफिशियल पार्ट एक होता है आपका, और एक जो पार्ट होता है वो हो गया आपका डीप
और डीप माइलोहायड मसल्स, डीप पार्ट्स कौन कवर करके रखेगा? स्मॉल डीप पार्ट्स रहता है जो, वो किस कौन कवर करके रखेगा उसको? हमारा कवर करके रखता है हमारा माइलोहायड मसल्स। सो माइलोहायड मसल्स जो है वो उसको कवर करके रखता है। उसके बाद और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे जानना है, ये तो हमारा क्वेश्चन था, लेकिन साइड बाई साइड में और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। सो जैसे कि आपको पता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहीं ना कहीं हमारा वार्टन्स डॉट के साथ रिलेटेड है। वार्टन्स डॉट जो हम, आप लोगों को पता होगा क्लास 12 से आप जब नीट प्रिपेयर कर रहे होंगे तब से आपको पता होगा कि वार्टन्स डॉट करके एक होता है, वो ओपन होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। उसके बाद क्या सीक्रेट करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो वो बेसिकली लाइक सेरोस और म्यूकस दोनों को करता है सीक्रेट। बट अगर हम कंपोजिशन में देखेंगे ज्यादा क्या सीक्रेट होता है, देन सेरोस जो होता है वो ज्यादा हमारा सीक्रेट होता है। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है। सो बेसिकली इट्स लोकेशन इज एंटीरियर पार्ट ऑफ द डाइगेस्टिक ट्रायंगल हो गया, और ये एक जे शेप्ड सलाइवरी ग्लैंड है, ये एक जे शेप्ड सलाइवरी ग्लैंड हम उसको बोल सकते हैं। एंड उसके बाद जो हम बता रहे हैं, उसके बाद जे शेप सलाइवरी ग्लैंड है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर किए हैं। एक हो गया लार्ज सुपरफिशियल पार्ट, और एक हो गया लार्ज सुपरफिशियल पार्ट एक हो गया, और एक हो गया स्मॉल डीप पार्ट, और कवर्ड बाय द माइलोहायड मसल्स। और इसका जो डॉक रिलेटेड है, ये भाई बाप का भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हो गया हमारा वार्टन्स डॉक। और यहाँ से जो सिक्रेशन होगा ज्यादा वो है सेरोस में, बोथ म्यूकस और सेरोस सिक्रेश होता है, सिक्रेशन होता है। बट अगर हम प्रीडोमिनेंटली देखेंगे देन दैट इज द सेरोस ग्लैंड इज मोरली सिक्रेट। अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये है कि जो हमारा सिक्रेटोमोटर सप्लाई है ऑफ पैरोटिड ग्लैंड का, वो कहाँ से आ रहा है। सो ये AIPG एग्जाम 2 और 94 नंबर का क्वेश्चन है। सो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। सो सबसे पहले हम इसका आंसर लिख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व होगा। और उसके बाद जो बोल रहा है, जैसे कि आप लोगों को सबको पता होगा हमारा जो फाइबर्स होता है गैंग्लियनिक फाइबर्स, वो बेसिकली दो तरह का होता है। एक हो गया आपका प्री गैंग्लियनिक फाइबर, एक हो गया आपका क्या, प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और एक आपका हो गया पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। सो एक होता है प्री गैंग्लियनिक फाइबर और एक आपका होता है पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर। सो अगर हम प्री गैंग्लियनिक फाइबर का बात करेंगे, सो ये शुरू कहाँ से होता है, इंफेरियर सलाइवरी ग्लैंड से ये शुरू होता है, इंफेरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से, इंफेरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से ये शुरू होता है, ठीक है। सो यहाँ से शुरू होके ये जाएगा कहाँ पे, तो ये बेसिकली किसके थ्रू पास करता है, ये हमारा किसके थ्रू पास करेगा, ये हमारा नाइन्थ नर्व के थ्रू पास करेगा। नाइन्थ क्रैनियल नर्व जो होगा ये उसके थ्रू में पास करेगा, और कहाँ पे जाके वो पहुंचेगा, कहाँ पे रिले करने वाला है ये जाके, ये जाके ओटिक गैंग्लियन में जाके रिले करेगा। ओटिक गैंग्लियन में ये जाके क्या कर रहा है, रिले कर रहा है। सिमिलरली अगर हम पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स का बात करेंगे देन ये जाके किसके थ्रू में जाएगा, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू जाएगा, ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। सो अगर क्वेश्चन यहाँ पे है टेम्पोरल नर्व, सो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो हमारा सिक्रेटोमोटर सप्लाई ऑफ पैरोटिड ग्लैंड का जो है वो कहाँ से आया है, कि ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व इज द आंसर। सो जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारा जो फाइबर्स होता है दो तरह का होता है, एक हो गया प्री गैंग्लियनिक और एक हो गया पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। अगर हम प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स का बात करेंगे तो ये बेसिकली इंफीरियर सलाइवरी न्यूक्लियस से शुरू होता है, वहां से शुरू होके नाइन्थ नर्व के थ्रू वो रिले करता है कहाँ पे, ओटिक गैंग्लियन तक। उसके बाद अगर आप पोस्ट गैंग्लियनिक देखेंगे तो वो किसके थ्रू रिले करता है, वो हमारा ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व के थ्रू जाके रिले करता है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जो पैरोटिड ग्लैंड का, पैरोटिड डॉक्ट का जो ऑरिफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है, जो पैरोटिड ग्लैंड का ऑरिफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है।
उसका जो हमारा आंसर होगा वो है ऑन द बकल म्यूकोसा नियर द मैक्सिलरी सेकेंड मोलर। सो जैसे कि आपको पैरोटिड ग्लैंड का तो लोकेशन पता ही होगा, सो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका जो ऑरिफिस है वो कहाँ पे लोकेटेड है। सो अगर उसका ऑरिफिस हम देखेंगे, सो इट इज लोकेटेड ऑन द बकल म्यूकोसा। बकल म्यूकोसा तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा क्योंकि आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है। सो बकल म्यूकोसा तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, यानी कि उस वाला म्यूकोसा है जो कि हमारा बकल ही प्रेजेंट है। टूथ का फॉर एग्जाम्पल मैं मोलार का बकल सर्फेस बोलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो उस वाला एरिया को हम बकल म्यूकोसा बोलेंगे। और कहाँ पे किसके जगह नियर प्रेजेंट है? नियर द सेकेंड मैक्सिलरी मोलार। सो नियर द मैक्स सेकेंड मैक्सिलरी मोलर, सेकेंड मैक्सिलरी मोलर ऑन द बकल म्यूकोसा इट इज प्रेजेंट। सेकेंड मैक्सिलरी मोलर इट इज प्रेजेंट। सो इसका जो ऑरिफिस है हमारा पैरोटिड डॉट का वो हमारा बकल म्यूकोसा के ऊपर प्रेजेंट है नियर द सेकेंड मैक्सिलरी मोलर। सेकेंड मैक्सिलरी मोलर के पास ये हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डॉट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड क्रॉसेस ओवर द मैसेटर मसल एंड पियर्सेस द, यानी कि जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है वो क्या कर रहा है, मैसेटर मसल को क्रस कर रहा है, यानी कि मैसेटर मसल को क्रस करके आगे निकल रहा है और किसको पियर्स, यानी कि किसको फाड़ के निकल रहा है वो चीज। सो अगर उसका हम आंसर देखेंगे तो वो होगा हमारा बॉक्सिनेटर मसल। सो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो होगा हमारा बॉक्सिनेटर मसल। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि पिछले वाला में जैसे आपको बताया, ये वाला क्वेश्चन हो गया जैसे कि ऑरिफिस ऑफ द पैरोटिड डॉक्ट इज लोकेटेड। सो अगर आपको पैरोटिड ग्लैंड और पैरोटिड डॉक्ट का लोकेशन पता होगा तो आप इस चीज का आंसर कर पाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे जैसे डॉक्ट ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड क्रॉसेस ओवर द मैसेटर मसल एंड पियर्सेस द बॉक्सिनेटर मसल। सो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सबलिंगुअल ग्लैंड है वो कहाँ पे हमारा प्रेजेंट है। सो सबलिंगुअल ग्लैंड अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिकली मैं अगर आपको सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में बताऊं तो बेसिकली सबलिंगुअल ग्लैंड जो है, सो सबलिंगुअल ग्लैंड जो है वो हमारा क्या हुआ है, इट सिचुएटेड मेडियली, इट इज सिचुएटेड मेडियली। हाउ इट इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड मेडियली टू द सबलिंगुअल फोसा। सबलिंगुअल फोसा से मेडियली सिचुएटेड है सबलिंगुअल फोसा, एंड सबलिंगुअल फोसा कहाँ पे प्रेजेंट है? मैंडिबुल में प्रेजेंट है। ये चीज याद रखिए, मैंडिबुल में प्रेजेंट है एंड लैटरल टू द जेनियोग्लॉसस, एंड लैटरल टू द जेनियोग्लॉसस, जेनियो ग्लॉसस। सो अगर सबलिंगुअल ग्लैंड का हम बात करेंगे सो बेसिकली ये मेडियली भी प्रेजेंट है और लैटरली भी प्रेजेंट है। सो मेडियली अगर हम देखेंगे सबलिंगुअल फोसा जो कि मैंडिबुल में प्रेजेंट है उससे मेडियली प्रेजेंट होगा और जेनियो ग्लोसस से ये लैटरली प्रेजेंट है। सो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है इस्थमस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। इस्थमस ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड इज अक्रॉस द ट्रैकियल रिंग्स। कौन सा ट्रैकियल रिंग्स के अंदर इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है। सो अगर हम देखेंगे इस्थमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड का जो ट्रैकिया है वो किसके किसके अंदर प्रेजेंट है, सो बेसिकली ये थर्ड टू द फिफ्थ ट्रैकियल रिंग के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि इसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसका पूरा वीडियो विथ हैंड रिटन नोट्स मेरा टेलीग्राम चैनल में भी अवेलेबल है, सो उसको भी आप देख सकते हैं। सो थर्ड टू फिफ्थ ट्रैकियल रिंग के अंदर हमारा जो थायराइड ग्लैंड का इस्थमस है वो हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो किसका ब्रांच है। सो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो किसका ब्रांच होगा, वो हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ब्रांच है। किसका ब्रांच है? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड
एटेरी, कैरोटीड एटेरी का ब्रांच हमारा होगा लेफ्ट सबक्लेवियन एटेरी। सो लेफ्ट सबक्लेवियन एटेरी का जो ब्रांच है वो कौन होगा? हमारा कैरोटीड एटेरी। सो बेसिकली जो सुपर सुपरियर पाराथायरॉयड से उसको हम पाराथायरॉयड भी बोलते हैं, तो वो हो गया हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन एटेरी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, इंफीरियर थायराइड एटेरी अराइजेस फ्रॉम, जो इंफीरियर थायराइड एटेरी है वो हमारा कहाँ से निकला है? सो इंफीरियर थायराइड एटेरी जो है वो हमारा इंटरनल कैरोटिड एटेरी से निकला हुआ है। वो कहाँ से निकला है? वो हमारा इंटरनल थायराइड एटेरी से निकला हुआ है, सॉरी इंटरनल कैरोटिड एटेरी, इंटरनल कैरोटिड एटेरी से हमारा इंफीरियर थायराइड एटेरी निकला हुआ है। उसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमारा आता है, मिडिल थायराइड वेन ड्रेन्स इनटू, हमारा जो मिडिल थायराइड वेन है वो कौन सा वेन को ड्रेन हुआ है? सो उसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। सो मिडिल थायराइड वेन जो है वो इंटरनल जुगुलर वेन के तरफ आता है। उसे हमारा हो गया 10 जो फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर हो गया। आई होप आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट नोट है उसका आप ऑलरेडी खत्म कर चुके होंगे। आई थिंक आपका कुछ डाउट भी नहीं होना चाहिए उस सारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स का भी मैं आंसर बता दिया हूँ, मैं इसका आंसर कल का। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट।